पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में महिला आयोग की सदस्य ने जन सुनवाई की और महिलाओं की समस्याएं सुनी। सर्किट हाउस में महिला आयोग की सदस्य के सामने जन सुनवाई करते हुए ठाकुर द्वारा निवर्तमान एसओ और वर्तमान एसओ मझोला धनंजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित महिला ने एसओ धनंजय सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपियों से हमसाज होकर पुलिस ने पीड़िता के केस को झूठा बताकर केस बंद कर दिया था, लेकिन महिला आयोग के हस्तक्षेप के बाद ठाकुर द्वारा पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि मामले में पुलिस आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने में लापरवाही बरत रही है। मेरे साहब ने अपने घर में अकेली थी, तीन जनों ने आकर 18 तारीख 8 महीना 2021 और तीन जने आकर मुझे दबोच लिया, मेरे कान पे पिस्तौल लग दिया और मुझे कमरे में को खींच के ले गया और मेरे साथ गलत काम किया। तीनों ने मेरे साथ गलत काम किया। फिर उसके बाद हम थाने गए, मगर हमने वहाँ एप्लीकेशन लगाई, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। कौन सा थाने का मामला? ठाकुर द्वारा थाना। समस्या, आज हम यहाँ बैठे हैं, जन सुनवाई हो रही है यहाँ। अधिकतर केस जितने भी आए हैं महिला उत्पीड़न के आए हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा हो या फिर बाहर से हो, अब उनकी सुनवाई चली रही है। और हमारा क्या रहता है कि जब भी हम आते हैं यहाँ जन सुनवाई, जहाँ भी हमारी होती है बैठते हैं, तो जितने भी केस आते हैं संबंधित अधिकारी को हाथ के हाथ हम सोचते हैं कि कोशिश ये करते हैं कि हाथ के हाथ निस्तारण हो जाए। कुछ का हो भी जाता है और कुछ का आगे बढ़ा देते हैं हम संबंधित अधिकारी के पास। और किस हिसाब से आपने की सुनवाई करी है, सब कुछ क्या कमियां हैं? कमियां क्या, थोड़ा सा तो मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अभी हम जागरूक, ये शिविर लग भी रहे हैं, जगह जगह महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र में भी कर रहे हैं। तो एक तो मैं ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा अभी जागरूक होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि मैंने जितने केस हमारे पास आए हैं तो कुछ लोगों ने कोर्ट में एकदम से कुछ पता नहीं होता है और कोर्ट में डाल देते हैं। अब कोर्ट के मामले ऐसे होते हैं कि वो उसमें तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है उसमें, लेकिन अगर हमारे पास कोई केस आता है तो हम उसको अपने हिसाब से आगे निस्तारण करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोर्ट के मामलों में ज़्यादा इंटरफेयर कोई नहीं कर सकता है। अब ऐसा नहीं है सुनवाई नहीं होती, अब इतने 3-4 साल हो गए मुझे भी आयोग में, जो मेरे पास पद है महिला आयोग का सदस्य का, तो कितने केस मेरे पास भी आते हैं, तो अधिकतर महिला ये भी कहती है कि मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसा नहीं है कि सुनवाई हो नहीं रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि भाई जल्दी से तुरंत हो जाए कार्रवाई, लेकिन कुछ तो समय तो लगता है, कुछ जल्दी हो जाती है और कुछ में समय लगता है। एक लड़की तो हमें 8-10 दिन से महिला थाने का चक्कर कंटिन्यू लगा रही है, आखिर क्या वजह? तो महिला थाने वाले अपने कबूतरों के साथ काम नहीं कर पाते। नहीं, महिला थाने को हम भी जब यहाँ मीटिंग में बैठते हैं, महिला थाने को हम आदेश देते हैं कि जितने भी केस आए महिलाएं हों या लड़कियां हों, भाई जो भी थाने के चक्कर लगाएगा वो नॉर्मल सी बात है कि परेशान है, वो व्यक्ति महिला परेशान है तभी थाने के कोई चक्कर लगाता है। तो हम महिला थाने को हमेशा आदेश करते हैं कि कोई भी केस आए उसको प्रायोरिटी पर ले और उसको पूरी मदद दें। लेकिन ये केस जो आप बता रहे हैं, इस केस की मैं जानकारी अभी लूँगी, मेरे संज्ञान में है नहीं ये मामला। अगर ऐसा है तो महिला थाने को इंस्पेक्टर को हम अभी अपने हाथ सामने बोलेंगे कि क्यों नहीं लिया गया। मतलब अभी महिला थाने के देखते लड़की 2 बजे से रात के 1:30 बजे तक बैठी, सारी प्रशासन लोग फ्लड हो गए, प्रशासन ने 2 दिन का समय मांगा, लड़की पता बरामदी हो गई थी, फिर भी उसके बाद भी चाहे मैं महिला थाने की जब मतलब मैडम पर छू तक के नहीं बैठ पा रही और 5-6 दिन से लगातार कंटिन्यू महिला थाने का चक्कर लगा रही, तो कहीं ना कहीं कमियाँ। मैंने आपसे अभी बोला कि अभी मैं देखती हूँ, इस केस की जानकारी मुझे नहीं थी, इसमें अभी देखती हूँ कि क्या हुआ है और किसकी कहाँ गलती हुई है, तो इसमें अभी मैं जानकारी लूँगी पूरी और जिसकी भी कमी पाई जाएगी उसके खिलाफ। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।